नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नेहा और आज मैं आपको एक विधवा औरत मोनिका की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि मेरे पति के मरने के बाद आखिर रूबी ने मेरी शादी अपने पति से क्यों करवा दी। आखिर कोई भी औरत अपने पति को दूसरों के साथ कैसे बांट सकती है। मैं जब विधवा हुई तो मेरी देवरानी रूबी ने मेरी शादी अपने पति सुनील से करवा दी और वो मेरी सौतन बनकर दिन रात मेरी सेवा करने लगी और रोज रात को मुझे दो ऑमलेट के साथ देसी घी का पराठा खिलाती और कहती कि जल्दी तू हमारे परिवार के वारिस को जन्म देगी। और जब मैं सुबह उठती तो मेरे पर्स में ढेर सारे पैसे रखकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाती। एक दिन नर्स हम दोनों को पहचान न सकी क्योंकि हम दोनों ने एक ही रंग के दुपट्टे से चेहरे को ढककर रखा था, तो मेरे ही कान में बोली कि आज अब इन्हें नींद की गोली मत खिलाना। मुझे शक हुआ, मैंने उस रात को कुछ नहीं खाया और सोने का नाटक करके लेट गई। कुछ देर बाद मेरी तो जान ही निकल गई ये देखकर कि वहां तो रूबी। मेरा नाम मोनिका है। मेरे साथ जिंदगी ने इतना बड़ा मजाक किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं सोचती रहती थी कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। मेरी कहानी सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। मैं 17 साल की थी जब मेरी शादी करवा दी गई। मेरे लिए रिश्ता एक रिश्तेदार ने ही लाया था, लेकिन ये लोग हमारे मोहल्ले के थे, हमको आते जाते देखते रहते थे। हम शादियों में भी एक दूसरे से मिलते थे। एक ज्वाइंट फैमिली थी और उस घर में तीन बेटे पहले से ही शादीशुदा थे। आखिरी दो बेटों की शादी एक साथ होने वाली थी। मेरे होने वाले देवर सुनील की बीबी पसंद कर ली गई थी और दूसरे बेटे के लिए मुझे पसंद कर लिया गया था। मेरा परिवार अच्छा था। मेरे माता पिता अच्छे खाते पीते परिवार के थे और मैं उनकी इकलौती बेटी थी। मेरी देवरानी का नाम रूबी था। हम दोनों की शादी एक साथ ही हुई थी और सकल सूरत से वो ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए सब लोग आते तो मेरी ही तारीफ करते कि तुम उससे ज्यादा खूबसूरत हो। और मेरे पति नीरज सकल सूरत के मालिक थे। जाने अनजाने में मैंने रूबी के साथ बहुत बुरा किया क्योंकि शादी वाले दिन सब लोग मेरी तारीफ कर रहे थे और उसकी तरफ कोई देख भी नहीं रहा था। फिर भी वो बेचारी बहुत धैर्य से बैठी रही। कहते हैं कि दो लड़कियों की शादी एक साथ नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इसी तरह का कोई सीन होता है। लेकिन मेरे ससुराल वाले अपने पैसे बचा रहे थे। उन्होंने कहा कि दो भाइयों की शादी एक ही साथ करवा दी जाए, जबकि मैं तो पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनकी अपनी मर्जी थी, क्या कर सकते थे। हमारी शादी हो गई। हम दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी की शुरुआत कर दी थी। वैसे तो ज्वाइंट फैमिली थी, लेकिन सभी के चूल्हे अलग अलग थे और इसी बात का आराम था। जीवन अच्छा चल रहा था, कोई समस्या नहीं थी। मेरे पति नीरज मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरी हर बात भी मानते थे और हम लोग अच्छे तरीके से एक साथ रहते थे। लेकिन मेरी देवरानी के कमरे से हमेशा लड़ाई झगड़े की आवाजें आती थी। पहले तो मुझे लगा कि ये आम बात है क्योंकि शादी के शुरुआती दिनों में तो थोड़ी बहुत बहस हो ही जाती है, जिसमें पति पत्नी एक दूसरे को मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे थे और मेरा देवर सुनील जोर जोर से अपनी बीवी रूबी पर चिल्लाता रहता था। जब मैंने अपने पति से बात की तो उन्होंने कहा कि हमें उनके मामले में नहीं बोलना चाहिए। एक बार मैं उन दोनों के कमरे के बाहर से गुजर रही थी, तभी मैंने अपने देवर सुनील की आवाज़ सुनी और मैं इसलिए रुक गई क्योंकि मैंने अपना नाम सुना था। मेरा देवर न जाने मेरा नाम लेकर अपनी बीवी पर क्यों चिल्ला रहा था। मैं सोचने लगी कि कहीं मुझसे तो कोई गलती नहीं हो गई, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। मैं उनके मामले में दखल नहीं देना चाहती थी क्योंकि मेरे पति ने मुझसे कहा था कि तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। एक दिन मेरे देवर ने मुझे रोका और कहा कि भाभी, आप मेरी बीवी को कुछ सिखा दें, उससे कहें कि वो आपकी तरह सज धज कर रहा करे।
मैंने अपने देवर से कहा कि आपकी पत्नी बहुत प्यारी है, उसे सजने की जरूरत ही नहीं। तो कहने लगा, बिल्कुल भी प्यारी नहीं है, आप सबका दिल रखते हैं, तभी तो वो आपका अपना ख्याल नहीं रखती है। एक दिन पता नहीं क्या हो रहा था, सुबह से ही मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। तब हमें एक बुरी खबर सुनने को मिली कि मेरे पति नीरज इस दुनिया से चल गए। रोड एक्सीडेंट हुआ था, मेरे पति और मेरे देवर दोनों ही मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और उनकी मोटरसाइकिल कार से जा टकराई। मेरे देवर को तो बहुत थोड़ी बहुत चोट लगी थी, लेकिन मेरे पति इस एक्सीडेंट में मारे गए। मैं गम में डूब चुकी थी, अभी तक मेरी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था और मैं विधवा हो चुकी थी। पति के देहांत के बाद भी मैं ससुराल में ही रहती थी। ये दिन मैंने बहुत उदासी से काटे थे। सब कहने लगे कि इस लड़की की जिंदगी तो बर्बाद हो गई है, अब इससे शादी कौन करेगा। आजकल तो कुंवारी लड़कियों को भी रिश्ते नहीं मिलते। मेरी देवरानी भी बहुत उदास थी, बार बार मुझे समझा रही थी, लेकिन मैंने सारा गुस्सा उसी पर ही निकाल दिया। मैंने कहा, तुम्हारे पति के साथ ही मेरा पति गया था। किसी को एक कहना बहुत आसान होता है कि संभालो खुद को, लेकिन जब खुद पर बीतती है ना, तब पता चलता है। अगर मेरी जगह आज तुम होती तो मैं तुमसे पूछती कि इतना बड़ा दुख किस तरह बर्दाश्त करोगी। तुम्हारा पति तो सही सलामत है ना, मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई है। मेरे देवर सुनील ने यह बात सुन ली और मुझे कोई जवाब नहीं दिया। पति के देहांत के बाद मैंने ससुराल में ही रहने का फैसला किया। मैंने कहा कि मैं वापस नहीं जाऊंगी, मुझे दूसरी शादी भी नहीं करनी है। पति को गुजरे 6 महीने हुए थे जब मेरी देवरानी ने मेरे सास के सामने एक बात रखी, जिस पर घरवाले तुरंत तैयार हो गए। और वो बात ये थी कि मेरी देवरानी मुझे अपनी सौतन बनाना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं उसके पति यानी कि मेरे देवर सुनील से शादी कर लूँ। घरवाले और सुनील भी इस बात के लिए तैयार थे। अब सारे एक साथ बैठे हुए थे, तभी उसने कहा कि मैं ही मोटरसाइकिल चला रहा था, भाई मेरे पीछे बैठे थे, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे हिस्से की मौत लेकर चले गए हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारियां मुझे निभानी चाहिए। घर वालों का भी यही कहना था कि तुम हमारी बहू हो, हम तुम्हें बड़े शान से शादी करके लाए थे, अब तुम हमारे बेटे की आखिरी निशानी हो, तुम्हें देखकर हमें हमारे बेटे की याद आती है, तो इसी घर में रह जाओ तो अच्छा है। मेरे माँ बाप को भी बुला लिया गया, उनका भी यही कहना था कि ये फैसला एकदम सही है। जब लड़का यानी कि मेरा देवर इस बात के लिए तैयार है, तो फिर किसी और के बोलने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। मेरी देवरानी भी तैयार थी, उसने मेरे हाथ पे हाथ रखकर मुझे कहा कि आपने ठीक कहा था, किसी को समझाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके दुख को बांट लेना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं अपने पति को तुम्हारे साथ बांट कर बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँगी, मुझे कोई शिकायत नहीं है। ये बात मुझे बहुत अजीब लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा अजीब। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे ससुराल वाले, मेरे माँ बाप सब लोग मुझे यही समझाया था कि सबसे अच्छा निर्णय है यह। और मेरे देवर की भी सभी से अभी से सब तारीफ करने लगे कि उसने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है, अपने भाई की विधवा से शादी करने से अच्छा और क्या हो सकता है। उसकी बीबी यानी मेरी देवरानी रूबी की भी सब लोग प्रशंसा करने लगे कि भगवान ऐसी बीबी सबको दे जिसने अपने पति को सही राह दिखाई है, वरना बीबियां तो आजकल ऐसी बातों पर गुस्सा हो जाती हैं। करते कराते सब बड़ों की बात मानकर मैंने भी हाँ कहीं दिया। मैंने पहले भी कोई जिद नहीं की थी, मेरे माँ बाप ने मुझे कहा था कि उसके लिए मैंने हाँ कह दिया था। अब मेरा देवर सुनील मेरा पति बन चुका था। मैं अभी भी अपने ही कमरे में रहती थी जिस कमरे में मैं पहले रहती थी, अब भी वो मेरा ही कमरा था, लेकिन मेरा देवर जो कि अब मेरा पति बन चुका था उसी कमरे में मेरे पास आया हुआ था। दोस्तों, इस कहानी की आगे का भाग मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी, इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं इस कहानी के आगे का भाग अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले।
दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।